अलीगढ़ में एक युवक को अपना मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपना भारी पड़ गया। युवक और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी के अंदर उल्टा युवक के साथ गंभीर तरीके से मारपीट की गई और अशोभनीय कृत्य करने का दबाव भी बनाया गया। मारपीट के दौरान उसकी कमर की हड्डी हटने से बेइंतहा दर्द हो रहा है। पुलिस चौकी के अंदर ही उल्टियां भी हो गईं, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी और परिवारी जन पास में ही स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां से मामला बिगड़ते देख मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती करा दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मी योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंद पुलिसकर्मी विभाग के अफसरों की किरकिरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के थाना कुआरसी की पुलिस चौकी नगला पटवारी इलाका निवासी आमिर अपने परिवार के साथ रहता है। उसका आरोप है कि उसके भाई का मोबाइल कुछ लोगों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आरोपी युवकों ने मोबाइल वापस करने का भरोसा दिलाया, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों में बात हो रही थी कि तभी आरोपी पक्ष मोबाइल स्वामी के भाई पर एग्रेसिव हो गया, जिसके चलते उसे स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित पक्ष ने मारपीट करते हुए पकड़ लिया, जिसे पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोग लेकर पुलिस चौकी नगला पटवारी पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस चौकी के अंदर पीड़ित आमिर को अंदर बुलाया गया और एक महावीर नाम के सिपाही द्वारा आरोपी का पक्ष लेते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आमिर की कमर में गंभीर चोट आ गई और हड्डी हट गई। आमिर का पुलिस पर यह भी आरोप है कि उससे इस दौरान सिपाही ने अशोभनीय कृत्य करने के लिए भी बाध्य किया। फिलहाल पीड़ित का उपचार जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो सर, जब हम वहाँ पे गए तो वो बातचीत करने लगे, तो जो चोर थे उनके सपोर्ट की तरफ से बहुत सारे लोग आए, जो कुछ रेसल रेंज के भी लोग थे, जो दलाल वगैरह थे और जो इधर लैंड पार्क के भी थे। जब वहाँ पे बातचीत होने लगी, जब हमने देखा तो उन्होंने ये कह दिया जो उसमें से एक जो सिपाही थे, जिन्होंने जो नाम तो मुझे उनका कन्फर्म नहीं, नाम क्या है उनका, नाम क्या था उनका, क्या हुआ आपके सर? ऐसा हुआ था, परसों हमारे भाई का मोबाइल गायब हुआ था, तो वो जो किसी ने बताई थी उन चोरों का मोबाइल है, तो हमने पूछा था उन चोरों से कि भाई वो मोबाइल दे दो, तो बोले अभी ला के दे रहे, तब वो चाकू लिया है मारने के लिए, वो हमें तो छोटे भाई के चाकू मारने वाला था, तो मैंने चाकू को पकड़ लिया, हमने उसे मारा, मारने वाला हम जो गए चौकी, चौकी में जाने आओ, उसके इतने दलाल दे के उन्होंने 20-25 हजार रूपए दे के उसे, उसका नाम था ना वो दूसरा जो था, दूसरा वाला जो है नहीं, उसका नाम भूल रहा हूँ, कोई सिपाही था वो महावीर जो था, उनने अंदर ले जाके मुझे जो है मुंह पे कपड़ा लगा के मेरे, और उसके नाम का चोर से पकड़वा के उनने यहाँ पे मेरे वो माने लाते मारी है, मुझसे कहा कि लिंक पी मेरा ये, अच्छा हाँ मुझसे कहा लिंक पी मेरा, फिर वो एकदम से मैं बहुत जोर में खड़ा नहीं हो गया, तो मैं रोया हूँ, रोक के मैंने एकदम से गेट खोला है, वो सिपाही ने आगे क्या उससे खोल दे गेट को, निकाले मैं गोली मार दूंगा तेरे अंदर, चौकी इंचार्ज नहीं क्या आगे, और मुझसे जो खड़ा नहीं हो गया, चौकी इंचार्ज मौजूद थे क्या सब, अतुल कुमार भी मौजूद थे वहाँ पे, और चोर जो है उसमें क्या मसला था, दो दिन पहले साहब मोबाइल रात में चुरा लिया था बच्चे का हमारे, इसकी कीमत थी 17-18 हजार रूपए, आपके लड़के का मोबाइल चुराया था? जी जी, बच्चा जो है चौकी पर रिपोर्ट लिखवाने गया, अच्छा समझे था, अब पता नहीं रिपोर्ट लिखी गई या नहीं लिखी गई, अच्छा ये हम सही नहीं कह सकते। अब आज दूसरा दिन है, तो वो जिसने चुराया था उसने कबूल कर लिया, तो लड़के ने हमारे कहा कि भाई हमारा मोबाइल दे दे, अच्छा हाँ वो बोला कि जो उससे बिगाड़ा जाए बिगाड़ दे, बिगाड़ ले मेरा, मैं नहीं दूंगा, समझे साहब, हाँ, और बोला कि साहब मैंने जो है इतने खून कर चुका हूँ, अगर तू कहेगा तो साले तुझे पछवा दूंगा, लिया जाइए, पुलिस आ गई साहब, इनमें मारपीट हुई, पुलिस आ गई, पुलिस दोनों को ले गई, दो उसे ले गई और दो बच्चों को हमारे ले गई, वहाँ ले जाके साहब पूछताछ करी, समझे साहब, और लौंडे को हमारे इतना मारा है साहब कि साहब कुछ कह नहीं सकते, समझे साहब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसने मारा? समझे साहब पुलिस वालों ने, अब चौकी में कौन मार सकता था, चौकी में कौन कौन लोग मौजूद थे साहब, ये पुलिस वाले थे सब, और कौन हो गया साहब, चौकी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज भी होंगे साहब, समझे साहब, और कहने मारे पुलिस वाले, कोई गुंडा तो मारे के नहीं आगे वहाँ बच्चे को मारे, तो पुलिस वालों ने आपके बच्चे को चौकी में मारा है? जी चौकी में मारा, जूतों की ठोकरों से, और साहब कोनी कूप कमर में मारी है, बच्चे की हालत देख लीजिए साहब क्या हालत हो रही है, समझे साहब, गरीबों की सुनाई नहीं कहीं भी, समझे साहब, हम मोहताज आदमी, 2 साल से मोहताज है हम, घर पर पड़े हुए, समझे साहब, ये हालत कर दी साहब, बच्चे के तड़प रहा बुरी तरीके से, समझे पैसे भी नहीं है जो हम उसकी दवा तक ले लें, वैसे
करुणा के उसमें लपेट में चल रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? जी नई मेहमान। कहाँ रहते हैं आप? जी सैनसाबाद गली नंबर 8। चलो ठीक है। जी फौजी स्कूल के पीछे आया जिसने हमारे बच्चे का मोबाइल चोरी किया था, तो ये कहने लगा तूने मुझे गलत फंसाया, मैं तुझे ऐसा फंसा दूंगा तू याद रखेगा। जब मैंने उसे ये समझाया, मैंने बेटा तू भी तो किसी माँ का लाल है, तू ऐसी हरकतें क्यों करता है, ये गंदी हरकतें होती हैं। तो वो कहने लगे, मैंने बेटा हम तुझे कुछ चौकी में क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? चौकी में ये हुआ, हम अंदर केबिल में बैठे थे, बुलाया था दरोगा जी ने, बुलाया था कि यहाँ बैठ जाओ चाची जी हवा में, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और अभी हम इनको छोड़े दे रहे हैं। तो वो लड़का कूद के चोर था, वो भाग गया। अब उसे ढूंढ के जैसे लेके आए तो हमारी बच्ची से कहने लगे कि ये एक्टिवा जो तेरे भाई ने चुराई है ना, इसी पे घूमती है तू, है ना, हमें सब पता है जिस पे तू घूमती है। तो उनने ये कहा कि आप इंक्वायरी कर लीजिए, अगर हम ऐसे होंगे तो हम भी बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। फिर वो हमें बिठाने के बाद मेरे बच्चे को ले गए अंदर, आओ आमिर तुम्हारा ही नाम है। वो खड़ा हुआ था पेड़ के पास, बोला हाँ मेरा ही नाम आमिर है। उसके पहले तो अंदर ले जाके ये कान मड़ोड़े लात मारी है कवे पे, फिर उस चोर से ही मुंह पे कपड़ा ठुसवा के और उसके ये दोनों मुर्गा बना के यूं घुटने पे उसके मारी है, ये हट गई है। वो बिलबिल आ गया बिल्कुल ठंडा भरा। अब उन्होंने जल्दी से हमारी बच्ची से कहा कि वो लेकर आओ इसके ट्यूब लगाने की, इसे गोली खिलाओ, इसे अपने पास से खाना खिला रहा हो। तो उल्टियां होने लगी उसे, खाना जैसे मुंह में गया उसके, फिर उसकी तड़प बंद न हुई। मेडिकल में भर्ती है क्या? हाँ मेडिकल में भर्ती है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।